अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके जिसके कब्ज़े में तमाम जहानों की जाने हैं। मैं मौजूद हूँ इस टाइम वही मौलान सदीरी जो शायद आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो आज मैं आपको यहाँ की एक लोकल ग्रॉसरी शॉप जिसे हम आम लोग में किराना स्टोर भी कहते हैं उसका आज आपको विजिट दिखाऊँगा कि यहाँ पर लोग कैसे एक दुकान रखते हैं और कैसे इनका सिस्टम सारा चलता है। तो ये आपको जान के खुशी होगी कि बार्सिलोना में तकरीबन 70% प्लस अपने देसी पाकिस्तानी हैं जिनके अंडर ये सारे छोटे कारोबार आते हैं, जिसमें मोस्टली आपको ग्रॉसरी शॉप्स मिल जाएंगी और साथ में मोबाइल शॉप्स मिल जाएंगी। तो आज के दिन मैं आपको ग्रॉसरी शॉप का विज़िट करवाऊँगा और उनका सारा सेटअप दिखाऊँगा कि कैसे यहाँ से सारा वर्क करती है। तो मिलते हैं आपको ग्रॉसरी शॉप में। हाँ जी, तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये शॉप है जिसका नाम है ट्रेडिस। तो आज चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये शॉप कैसे वर्क करती है। आप यहाँ शॉप से अंदर एंटर होते हो तो फ्रंट से कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे काउंटर पे बैठे होंगे अपने पाकिस्तानी भाई, उनसे कोई सलाम तो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल भाई जान? क्या नाम है आपका भाई? रोहिल भाई, मेरा नाम फाहद है। मैं अगर आप इजाज़त दें तो आपकी शॉप की थोड़ी सी वीडियो बना सकता हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा अगर आप माइंड ना करें तो। मुझे आपसे छोटी छोटी डिटेल बताते जाना कि ये कैसा सिस्टम होता है। बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्पेन में अपने पाकिस्तानी ग्रॉसरी शॉप को कैसे काम करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये इनको क्या कहते हैं इन सब को? ये पास्ते होते हैं, पास्ते ये जो हमें क्रॉस एंड होते हैं ना जी। ठीक होगा, ये इनको नाश्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं या वैसे ही? ज़्यादातर लोग नाश्ते के लिए, यहाँ पर लोग जो काम पे जाते हैं वो ज़्यादातर ये नाश्ता। ठीक हो गया। और ये आता कहाँ से है ये सारा? ये इनकी लोकल ब्रांड होती है, ये हमें दे के जाते हैं, जो जिनकी डेट अवेल हो जाती है फिर वो वापस ले जाते हैं। ठीक 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 ठीक, मतलब एक्सपायरी हो जाए तो आपको नुकसान कोई नहीं होता? तो यहाँ पे गम्स पड़ी हुई है, ये सारा लोकल मेक है या इंटरनेशनल मेक है? ये सारा लोकल ही है। अच्छा, सारा ज़्यादा लोकल ही है। लोकल। और ये थोड़ा, ये क्या चीज़ है? ये जो, अच्छा ये वो है शायद तंबाकू के लिए, तंबाकू जो सिगर रोल करके जो स्मोकिंग करते हैं। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि पीछे वो भी पड़ा हुआ है माल जो हमारे इस्तेमाल का नहीं है। अच्छा, ये शराब क्यों यहाँ पे रखी है, क्यों सेल करते हो आप इसके? इसके क्या बगैर बिजनेस ही यहाँ पे चलता है या क्या होता है? ये काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इसके बगैर काम नहीं चलता। काम नहीं चलता, हाँ ओबियसली। जब आप लोग यहाँ पर ना गैर मुस्लिम है तो वो जाते हैं यही यूज़ करते हैं। ठीक ठीक ठीक, मैं इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ सकता हूँ कि मजबूरी है लोगों की यहाँ पर कारोबार चलाने के लिए ये चीज़ें रखनी पड़ती है। जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए आपको थोड़ी सी कुंडी के ऊपर गंडोया लगाना पड़ता है, वैसे यहाँ के लोकल कस्टमर को पकड़ने के लिए ये आपको यहाँ पे शराब रखनी पड़ती है, ये सब की मजबूरी होती है। खैर, आपको दिखाते हैं इसके अलावा शॉप का सारा विज़िट करवाते हैं कि इनकी शॉप में माशाल्लाह क्या क्या पड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं जी इनके फ्रंट से। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चिप्स की ऑलमोस्ट तमाम वैरायटी यहाँ पर पड़ी हुई है। कुछ प्रिंगल्स के फ्लेवर्स ऐसे हैं जो पहले आपने शायद कभी भी ना सुने हो ना देखे हो पाकिस्तान में। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं प्रिंगल्स के फ्लेवर। और थोड़ा सा आपको गैर कानूनी माल दिखाते हैं जिसके पीछे सारे सिद्धू मूसे वाला फैन पागल हो जाते हैं। ये यहाँ की पान है, लेकिन इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है।
यहाँ से आप शुरू हो जाएं तो इसके बाद आपको ये मिलेंगे सारे ये आई थिंक ये टी बैग्स हैं सारे ये ऊपर वाले, वल्ला आलम क्या चीज़ है। अभी भाई के कस्टमर आ चुके हैं तो उनके साथ बिजी हैं तो फ्री रहते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ। भाई ये आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये सामने जो पैकेट पड़े हैं इनको यरगम आते कहा जाता है। यरगम आते ये होता क्या चीज़ है, ये टी है या क्या है ये? ये लतीनों का कोई होता है, लतीनों मार्क ठीक ठीक लतीनों के रिलेटेड, लतीनों मतलब लातिन अमेरिकन जो होते हैं ना उनके रिलेटेड कोई ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ये सॉसेज वगैरह मिल जाएंगे और ये पानी की बोतल। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ लोग जो है ना इस तरह की पानी की बॉटल्स घर में रखते हैं पीने के लिए, यहाँ पे आपको फिल्टर्स वगैरह जो है ना वो घर के अंदर नहीं मिलेंगे कहीं भी, सिर्फ नहाने के लिए और धोने और धुलाने के लिए आपको पानी वगैरह मिल जाएगा, लेकिन पीने के लिए आपको ये 5 लीटर 10 लीटर की ये बॉटल्स जो है ख़ुद बाई करनी पड़ती हैं और मिलती है बहुत मुनासिब रेट पर। तो ये आगे आगे आपकी क्रिप्स आ गए फिर दोबारा, तो हाँ जी तो यहाँ भी आपको क्रिस्प की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। मैं क्रिस्प बोल रहा हूँ क्योंकि यूके में स्पेशली इसको क्रिस्प कहते हैं और अमेरिका में शायद इसको चिप्स कहते हैं, तो जो आपको दिल करे आप इसको वो बुला सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। भाई इनमें हलाल कितने हैं और हराम कितने हैं? हलाल ये जो नॉर्मल लाइस हैं या जो नॉर्मल हैं, बाकी ज़्यादातर इनमें से ना हराम ही। ये लेस को लाइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पेनिश में इसे लाइस कहते हैं, स्पेनिश की थोड़ी अल्फ़ाबेट डिफरेंट है तो इसलिए। अच्छा जो लेस हैं वो क्या हैं? उनमें से ज़्यादातर जो हराम हैं, कुछ हलाल हैं जो 4-5 किस्म के होंगे जो ज़्यादातर हलाल हैं, बाकी ज़्यादातर हराम हैं। ठीक 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 हो गया, चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको केक्स वगैरह की, बिस्किट वगैरह की वैरायटी मिल जाएगी, जैसे में आपको डोनट्स और पंतेरा रोसा, टाइगर टोन, बॉय कायो, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बहुत ध्यान से आपको देख के खाना पड़ता है। ये सारी यहाँ पे आपको ओरियो की वैरायटी भी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको कपड़े धोने, वॉशरूम धोने, घर की सफाई के रिलेटेड तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और ये पीछे आपको शैम्पू वगैरह और सैनिटी के लिए प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको डिस्पोजेबल कप्स वगैरह मिल जाएंगे पार्टी के लिए। और ये हैं यहाँ के बिन बैग, ये बिन बैग बेसिकली इस्तेमाल होते हैं हर घर में डस्टबिन में लगाने के लिए, जिसको आप लगा के जिसमें आप अपना कूड़ा वगैरह फेंकते हो और एट द एंड ऑफ द डे आप अपना डस्टबिन इसके बैग के साथ खाली करते हो, उसको बाहर बिन में जा कर फेंकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा डॉग फूड। एक चीज़ है यहाँ पे कि पूरे यूरोप में बल्कि एशियन मुल्क्स के अलावा ना, एशियन कंट्रीज़ के अलावा बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ जानवरों को बहुत इज्जत दी जाती है, वो लाख से ज़्यादा उनको प्यार करते हैं। तो ये सेक्शन आ गया है हमारा लोकल ड्रिंक्स का, जिसमें आपको मॉन्स्टर, फोको, बहुत सी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। ये मोस्टली ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना मोस्टली वो हलाल ही आपको मिलती हैं यहाँ से। तो ये यहाँ पे आ गए हमारे नूडल्स वगैरह, पाकिस्तान में तो ज़्यादातर मैगी चलती है लेकिन यहाँ पे ये इस तरह के नूडल्स होते हैं और ये होते भी इंस्टेंट नूडल्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप सिंपली इसके रैप उतारो, वो पानी को बॉयल करो, इसमें डालो, थोड़ी देर इसको ढाँप दो और ये आपके नूडल्स तैयार, रेडी टू गो। ये पास्ता वगैरह सारा, नीचे फ्लोर, ये आगे शुगर,
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बआसानी मिल जाती हैं। ये आपको यहाँ पे मिल्क शेक वगैरह भी मिल जाएंगे, मिल्का ओके, ये सारे। ये ऊपर आपको सीरियल मिलेंगे जो आप मोस्टली नाश्ते के लिए इस्तेमाल करते हो। और ये आगे आपके आगे एक कैंड फूड जो इंसानों वाला होता है, एक कैंड फूड होता है डॉग के लिए जो आपको पीछे दिखा चुका हूँ, ये हमारे खाने वाला होता है। इसमें आपको बीन्स वगैरह, बॉयल्ड बीन्स, सॉल्टेड बीन्स, इस तरह की चीज़ें आपको सारी मिल जाती हैं। और पिकल्स वगैरह भी आपको इसी में मिल जाती हैं। और ये ऊपर आपको सॉसेस मिल जाती हैं। और ये नीचे सारा सी फूड आ गया आपका कैंड में, जो आपको एक पैकिंग के साथ मिल जाते हैं। ये आगे आपके आगे फ्रिज, और इसमें सारे हैम चीज़, हैम स्लाइसेस, ये हमारे खाने वाला तो नहीं है खैर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये फ्रंट पे आ गया जी कैंडी शॉप, कैंडी सेक्शन नॉट शॉप, ये सारी कैंडीज आपको मिल जाएंगी। और ये आगे फ्रिज आ गए जिसमें ड्रिंक्स जो आपको मैंने अभी दिखाई थी वो सारी इसमें भी लगेंगी चिल्ड। तो ये छोटा सा सेक्शन यहाँ पे फ्रूट्स का भी होता है जिसमें आप सारे फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। फिलहाल तो भाई ने अभी फ्रूट्स नहीं रखे हुए, लेकिन मोस्टली आप शॉप पर जाओ तो आपको डेली कुकिंग के लेटेस्ट तमाम किस्म की ना वेजिटेबल मिल जाती हैं। तो चलिए, जो मैं आपको बता रहा था कि पान के बारे में आपको बताता हूँ। ये जनाब पान है, ये आप इसका साइज दे सकते हो। मैं इसे बेसिकली कहता हूँ डांगे ये बेसिकली खाने के काम आता है ये पान। तो इसको गोरे जो है ना, गोरे भी क्या है, हमारे देसी भी आजकल जिनको बेचारों को रोटी नहीं बनानी आती वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंपल होता है, इसको लिया साथ में कुछ सालन वगैरह आपने घर बनाया हो तो उसको आप जनाब साथ में लगा के तो आप कंज्यूम कर सकते हो। और एक शॉर्टकट है टाइम कंज्यूमिंग का, और जिनको नहीं कुकिंग आती उनके लिए भी। तो जी अल्लाह हमारे परदेसी भाइयों को आपने उस जमाने में रखे और उन्हें कारोबारों में बरकतें अदा फरमाएं। अच्छा, सिर्फ लास्ट सेक्शन आपको दिखाऊंगा जो मेरा फेवरेट है, तो उसके बाद मैं लूँगा आपसे इजाज़त। ये चॉकलेट्स, ये जी मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है ये चॉकलेट्स। मेरा पास चले तो मैं सुबह दोपहर शाम इसी को खाऊं। ज़बरदस्त। तो भाई से लेते हैं अभी इजाज़त, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके भाई, ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया आपने मेरा टाइम दिया। आप तो बहुत अच्छा, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।